हाय, आई एम सोनप्रिया। आज मैं बात करने वाली हूँ उस प्रॉब्लम की जो हर एक एस्पायरेंट फेस करता है, बट इट इज नॉट डिस्कस्ड मच। जैसे अच्छी कोचिंग के लिए बड़े शहर जाना और उसके लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट। आई हैव फाउंड अ सॉल्यूशन इन सुपर कोचिंग, जहाँ आपको पढ़ाएंगे 20+ सुपर टीचर्स फ्रॉम लुकमन IAS, आजाद IAS अकेडमी एटसेट्रा, जिन्होंने 3000+ सिलेक्शंस करवाए हैं। GS Foundation के साथ साथ optional courses and NCERTs will be taught by experienced teachers like Salamuddin Ansari sir. Along with this, 500+ mock tests, notes, daily current affairs, 1000+ live classes. अब इन सब के लिए आपको लाखों नहीं खर्च करना पड़ेगा, because you can get all this under just ₹25,000. To get 7 days free access to all these features, use our code DKT7. सुपर कोचिंग को अपना परमानेंट पार्टनर बनाने के लिए यूज अवर कोड DKT20 एंड गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो नाउ एनरोल इन सुपर कोचिंग फॉर क्रैकिंग UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम #दिल्ली मचल। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ प्रवीण कुमार। मैं चकाई, जो कि जमुई जिला बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे फैमिली में मेरे पिताजी का मेडिकल शॉप है और मेरी माताजी हाउस मेकर हैं। इसके अलावा मेरे बड़े भैया और छोटी बहन है। मैं IIT कानपुर से ग्रेजुएट किया था 2017 में। इसके बाद मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन किया, जिसमें मैंने 3rd रैंक लाया था 2018 में। इसके बाद मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन किया और ये मेरी तीसरी अटेम्प्ट में 7th रैंक ऑल इंडिया रैंक आई है इस ईयर। मैं अब इंटरव्यू का स्ट्रेटजी बताऊंगा। इंटरव्यू सेट वन ऑफ द थिंग्स है जो एक्चुअली आपके रियल सेल्फ को प्रेजेंट करेगा वहाँ पे इंटरव्यू रूम में। तो ये नहीं मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, बल्कि इन जनरल जो भी चीज़ आप करते हैं, आप कितना क्यूरियस हैं, कितना अच्छे से चीज़ों को समझते हैं और एक डेफिनेट तरीके से सोच पाते हैं। मुझे लगा कि मेरे इन जनरल इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स आए हैं, बट प्रोबेबली इस बार अच्छा आया होगा। तो मेरा स्ट्रेटजी ये था कि सबसे पहले मैं डैफ में जितना भी चीज़ लिख रखा हूँ वो मैं वही लिखा था जिसमें मैंने सच में काम कर रखा है और मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है और मैं सच में क्यूरियस था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा हॉबी माउंटेनियरिंग है और स्क्वैश है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। तो आप वही चीज़ को लिखिए डैफ में जिसको आपने पैशनेटली फॉलो किया है लाइफ में। उसके बाद जब आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं तो हर एक डैफ के वर्ड को मल्टीपल एंगल से प्रिपेयर कीजिए। फॉर इंस्टेंस, स्क्वैश है तो मैं स्क्वैश के गेम के हिस्ट्री जानूंगा, इसका मैं ये जानूंगा कि कैसे खेलते हैं, क्या रूल्स होता है, क्या फेमस प्लेयर्स हैं। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में आप सोच सकते हैं। उसी तरीके से आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर इंस्टेंस आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप बिहार के हिस्टोरिकल एंगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंगल तरीके से सोचिए, बिहार के प्रॉब्लम्स को सोचिए। प्लस आप एज एन ऑफिसर आप सोचिए कि कैसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि सॉल्यूशन आप खुद से सोचिए कि आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जेन्युइननेस सबसे ज़्यादा काम आता है इंटरव्यू में। बुकिश आंसर काम नहीं आएंगे, वो मैटर करता है कि आप एक्चुअली में कैसे सोचते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस आपने जो भी लाइफ में किया है उसको कितना अच्छे से पैशनेटली फॉलो करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मेरा सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन है तो इंटरव्यू में ऑलमोस्ट 50-60% सिविल इंजीनियरिंग के अराउंड ही रोटेट किया। तो प्रोबेबली जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं वो अपनी इंजीनियरिंग को लेके भी थोड़ा क्यूरियस रहें, क्योंकि इट्स सोज अबाउट योर पर्सनैलिटी कि आपने लाइफ में जो भी किया है उसको आपने पैशनेटली फॉलो किया है। ये मेरा इंटरव्यू का स्ट्रेटजी था। अपने स्ट्रेंथ को समझिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।